हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 14 और 15 की फार्मूलाज बताऊंगा। बच्चों मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 से लेके 13 चैप्टर तक के ज्योमेट्री को छोड़ के सभी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसे आप देख लीजिएगा और आप अच्छे उसकी तैयारी कीजिएगा। इस लॉकडाउन के समय में आप घर बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम आप चैप्टर 14 का देखेंगे माध्य ज्ञात करने की विधि। फर्स्ट मेथड है प्रत्यक्ष विधि, उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड निकालने का फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू समेशन f i x i अपॉन समेशन f i। दूसरा मेथड होता है लघुत्तर विधि, शॉर्टकट मेथड, इसका फार्मूला है x इक्वल टू a प्लस सिग्मा f i d i अपॉन सिग्मा i f i, जहां a कल्पित माध्य है। बच्चों अब तीसरी मेथड हम बताएंगे आपको। तो ये बता रहे थे, कह रहा था कि यदि आपको फार्मूला सब याद हो जाएंगे, ये फार्मूला आपको एग्जाम में एमसीक्यू में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स मैच ऑफ द कॉलम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आप फार्मूला तैयार कर लिए बड़ी क्लासों में तो सबसे आसान होता है, आप सवाल लगा सकते हैं और आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बच्चों, माध्य निकालने का थर्ड विधि है कौन सी विधि, पद विचलन विधि। ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो सबसे इजी मेथड यही है। जब आपको फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी दी जाएगी, स्टेटिक्स में फ्रीक्वेंसी रहती बारंबारता, जब बारंबारता बड़ी दी जाएगी एवरेज, तब उस समय यही मेथड सबसे इजी रहेगा। इससे क्या है, इनटू डिवाइड करने से हम बच जाएंगे, बहुत शॉर्टकट में आएगा। हम इसके जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो फिलहाल अभी तब तक आप फार्मूला लर्न करिए, फार्मूला याद करिए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और एक मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x इक्वल टू l1 प्लस l2 बाय 2 या x इक्वल टू ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। हाँ बच्चों, बहुलक, बहुलक का क्या फार्मूला है, मोड का, मोड का फार्मूला देखिए, बहुलक l प्लस f1 माइनस f0 इंटू h अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2। अब यहाँ l f1 f0 f2 और h क्या चीज है वो देखेंगे हम। यहाँ यल है बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ जीरो बराबर होगा बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, एफ वन होता है देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ टू होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, और एच होता है बहुलक वर्ग के अंतराल की माप। हाँ बच्चों, अब फार्मूला जो अगला है माधिका, माधिका को हम माध्यक भी कहते हैं, मीडियन, इसका क्या फार्मूला होगा देखेंगे, यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और ऊपर में इंटू एच, मतलब यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ होगा, जहां यल माधिका या माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, और यन क्या चीज है, देखिए यन है प्रेक्षणों की कुल संख्या, सी एफ मतलब कंप्यूटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता, सी एफ बराबर होगा माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ क्या होगा इसमें माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच क्या है माध्यक वर्ग की वर्ग माप है। हाँ बच्चों, आप क्या करेंगे कि माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक, इसमें एक रिलेशन भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक धन बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, क्या बताया, 3 इंटू माध्यक या 3 माध्य भी बोल सकते हैं, बराबर बहुलक धन 2 गुणे माध्य या 2 माध्य। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब हम चैप्टर 14 के फार्मूला बता दिए, अब हम अगला फार्मूला बना रहे हैं चैप्टर 15 के, जो आपको बता रहे हैं उसे भी आप अच्छे से पढ़िएगा, प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्लास 11 में भी रहेगा, क्लास 12 में भी रहता है और ऊपर की क्लासों में भी प्रायिकता की जरूरत पड़ते हैं, कंपटीशन एग्जामों में भी प्रायिकता पूछी जाती है बच्चों, इसलिए प्रायिकता के बारे में नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। हाँ बच्चों, आप प्रायिकता के फार्मूला, प्रायिकता के बारे में आपको बता रहे हैं, देखिए प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना, क्या संभावना, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन क्या है ये बताते हैं आपको, पहले किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है, क्या बताया बच्चों, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण प्रायिकता कहलाता है। और दूसरा डिफिनेशन देखिए, दूसरा चीज बता रहे हैं आपको जो अच्छी चीज है, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ये आपके
एक शब्द में या वन वर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आप इसको ध्यान रखेगा, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। और एक ऑब्जेक्टिव में आपके और पूछ सकता है क्या, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो क्या पूछेगा पेपर में आपसे, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। इससे बच्चों बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो रहे हैं प्रायिकता से, इसलिए आपको प्रायिकता चैप्टर तैयार करना बहुत अति आवश्यक है। ठीक, अब बच्चों हम अगला बता रहे हैं प्रतिदर्श समिष्ट। प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब ये होता है सैंपल स्पेस। प्रायिकता में सैंपल स्पेस का बहुत जरूरत पड़ती है। सैंपल स्पेस क्या होता है, हर जगह आपको सैंपल स्पेस बनाने के बनाना पड़ता है प्रायिकता में, तो क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए प्रतिदर्श समिष्ट की क्या डिफिनेशन, यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभव परिणामों का समुच्चय, क्या कितने टोटल बन सकते हैं वो यादृच्छिक प्रयोग में। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब क्या होता है, रेंडमली, रेंडमली में सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समिष्ट कहलाता है, है ना। कितना अच्छी परिभाषा हमने बताई ना। अब दूसरा देखेगा प्रायिकता की परिभाषा या प्रायिकता के बारे में, मतलब प्रायिकता को हम कैसे डेवलप करते हैं, प्रोबेबिलिटी को देखिए। पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन को, तो उसमें यही फार्मूला यूज करेंगे, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या इसी को शॉर्टकट में भी दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, पीई बराबर यानी बाई यानी। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट पर डिफिनेशन देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या है परस्पर अपवर्जी घटना देखेंगे, एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। मतलब एक साथ घटित ना होने वाली, ठीक, एक साथ घटित ना होने वाली घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। और एक अगला देखेंगे, देखिए किसी घटना ई की प्रायिकता PE ऐसी संख्या है कि, किसी घटना E की प्रायिकता PE ऐसी संख्या है कि 0 <PE> <1, मतलब 0 और 1 या 1 के से छोटा, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता प्रायिकता। ठीक, हाँ बच्चों, आप नेक्स्ट डिफिनेशन देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, किसी घटना ई के लिए, ई मतलब इवेंट होता है घटना, किसी घटना ई के लिए एक मेन फार्मूला है पीई प्लस पीई निगेटिव, इसका बार का मतलब का जो लाइन खींचते हैं उसका मतलब निगेटिव होता है, पीई प्लस पीई निगेटिव इक्वल टू 1 होता है। क्या है, जहां देखे ई घटना को बताएगा, घटना के घटित होने को, तथा ई बार नहीं घटना को व्यक्त करेगा, क्या ई बार जो है ई निगेटिव घटना के ना होने को व्यक्त करता है। ठीक, तो फार्मूला क्या बना बच्चों, देखो पीई प्लस पीई निगेटिव इक्वल टू 1, तो यदि हमें पीई निगेटिव चाहिए तो हम ट्रांसपोज कर दे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस पीई आएगा, क्या आएगा 1 माइनस पीई आएगा। अब बच्चों मैं आपको ताश के बारे में बताऊंगा। हाँ बच्चों, आप प्रायिकता का जो मोस्ट चैप्टर है, मतलब मोस्ट टॉपिक कहने के बारे, मतलब क्या है ताश, ताश के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ताश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास टेंथ में तो पूछेंगे, 11 ट्वेल्थ में भी पूछे जाएंगे ताश के बारे में, इसलिए आपको ताश का जो बेसिक चीज है वो आपको बनना चाहिए। तो देखिए हम ताश की बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। देखिए ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, कितने 52 पत्ते होते हैं, जो चार प्रकार के होंगे, 4 सूट होंगे, कितने चार प्रकार के होंगे। ताश के पत्ते 2 रंग के होते हैं, कौन कौन रंग के होंगे, देखिए काले रंग के होंगे और लाल रंग के। तो काले रंग की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए काले रंग हम संख्या भी लिखते हैं यहाँ पर, 26 काले रंग के होंगे और लाल रंग के कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ठीक, काले रंग के 26 और लाल रंग के भी 26, कुल कितने हो गए 52 हुए। ठीक, अब काले रंग के पत्ते कौन कौन होते हैं इसकी नॉलेज होना चाहिए, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए काले रंग के पत्ते चिड़ी का, इसको सिंबल बना दिए चिड़ी का, देखिए चिन्ह भी है, चिड़ी का है, और दूसरा क्या होगा हुकुम का, हुकुम का भी सिंबल है, अच्छे से सिंबल को भी आपको जानना पड़ेगा चिन्ह इसका। अब लाल रंग के पत्ते क्या क्या होते हैं, ईंट डायमंड और पान का पत्ता, देखिए पान का चिन्ह है ये और ईंट का ये फिगर ये है। ठीक, तो ताश के बारे में कितने बताए, ताश 2 प्रकार के होंगे, मतलब कलर उनके 2 रंग के होंगे, लाल रंग के और काले रंग के, लाल रंग के 26 पत्ते होंगे और काले रंग के भी 26 पत्ते होंगे। अब लाल रंग के कौन कौन होते हैं, देखिए ईंट का लाल रंग का होगा और 13 पत्ते होंगे इसके, और पान के भी 13 ही पत्ते होंगे। ठीक है, और चिड़ी के जो है 13 पत्ते होंगे और हुकुम के भी काले रंग के 13 पत्ते होते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, अब ताश के बारे में आगे हम बताते हैं। देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज बताएंगे आपको। बादशाह मतलब किंग, किंग कितने होते हैं ताश में बताएं, 4 होते हैं, काले रंग के 2 होंगे और लाल रंग के कितने होंगे, 2। बेगम का मतलब क्वीन, क्वीन कितने होते हैं, 4।
तो काले रंग के दो होंगे और लाल रंग के भी दो होंगे, गुलाम मतलब जैक चार होंगे, वो भी काले रंग के दो और लाल रंग के दो। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते जिसमें चेहरा बना होता है ताश के पत्ते में, देखेंगे चेहरा वाले, यही जो चार चार आए ना, बादशाह बेगम और गुलाम, ये चार चार मिलके सब तीनों मिलके क्या बन गए, 12, ये कुल हो गए तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं, जिसमें चेहरे बने होते हैं या फेस कार्ड भी कहते हैं, 12 होते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे बताइए, काले रंग के कितने होंगे, 6, इनको जोड़ दीजिए, काले रंग के दो थे, काले रंग के यहाँ भी दो थे और गुलाम के भी काले रंग के दो थे, तो कुल मिला के काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं बच्चों, 6। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते भी कितने हो जाएंगे, 6, गुलाम के दो होंगे, बेगम के भी दो लाल रंग के होंगे और बादशाह के भी दो होंगे, तो इस प्रकार से लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, हाँ बच्चों आप देखेंगे, देखिए हर ताश में जो ताश चार प्रकार के होते हैं ना, बादशाह बेगम और ये गुलाम और हुकुम देव, चिड़ी हुकुम ईट और पान, कुल कितने प्रकार के ताश होते हैं, चार प्रकार, जो हमने लिखा चिड़ी हुकुम ईट और पान। इन सब पत्तों में जैसे देखिए ए से शुरू करेंगे, देखिए ए लिखा है क्या, 2 3 4, इसको दुक्की बोलते, तिक्की चौकी पंजी और किंग क्वीन और जैक, ये सब ताश के पत्ते में लिखे रहते हैं, जिनको यदि हम काउंट करते हैं तो कितने होते हैं, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये सब पत्तों में ये लिखा रहेगा। फिर हम पूछते हैं कि चिड़ी का दुक्की कौन है, चिड़ी केक का क्या है, चिड़ी का किंग क्या है ना, ऐसे पूछते हैं तो उसमें पता चल जाता है ये चिड़ी केक का है ना। तो देखो इक्का कितने हो जाएंगे, 4, इक्का की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इक्का होंगे जिसमें ए लिखा रहेगा, ठीक है, 4 तो किंग भी होंगे, इन सब के एक एक इक्का होंगे, चिड़ी का भी एक इक्का होगा, हुकुम का एक इक्का होता है, ईट का भी एक इक्का होता है और पान का भी इक्का होता है, इस प्रकार बात तो 4 इक्का हो गए, 4 किंग भी मिलेंगे, 4 क्वीन मिलेंगे, 4 दुक्की भी सबके होंगे, तिक्की भी, हर कट पत्ते के 4 4 होंगे, इस प्रकार 13 × 4 = 52 पत्ते ताश के होते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर करा दिया हमने। अब देखिए टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से भी आप ताश के बारे में जान सकते हैं। देखिए टोटल ताश कितने होते हैं, हमने लिखा 52, तो आप इधर टेबल एक बनाइए बढ़िया अच्छे से और इधर ब्लैक कलर लिख दीजिए, रेड कलर जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, काले रंग के एक साइड लिखिए और एक साइड लाल रंग लिख दीजिए, काले रंग में 26 पत्ते होंगे और लाल रंग के भी 26 पत्ते होंगे। ठीक, तो काले रंग में कौन कौन पत्ते कहलाते हैं, देखिए चिड़ी का कहलाता है और हुकुम का, चिड़ी के 13 पत्ते होंगे और हुकुम के 13 पत्ते होंगे, लाल रंग में कौन कौन आते हैं, देखिए ईट का आता है 13 पत्ते और पान के आते हैं 13 पत्ते, और इसका सिंबल जो चिन्ह था वो मैंने पहले बता ही दिया है आपको। इस प्रकार से बच्चों मैंने ताश के पत्ते का आपको बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दी है।